खरगोन जिले के सिगांव में नायब तहसीलदार व पुलिस ने लगातार मिल रही स्प्रिट बेचने की शिकायतों पर किया औचक निरीक्षण। खरगोन जिले के सेगांव में आज मेडिकल स्टोरों पर नायब तहसीलदार जागृति जाट व चौकी प्रभारी राजेंद्र अवासिया ने औचक निरीक्षण किया। रेगुलर स्प्रिट क्षेत्र से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि तहसील मुख्यालय के मेडिकल दुकानों पर अवैध रूप से रेगुलर स्प्रिट बेची जा रही है, जिसके चलते आज शासन प्रशासन ने सुनियोजित ढंग से एक टीम बनाकर आकस्मिक निरीक्षण किया, जिससे मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया, जिससे कुछ मेडिकल स्टोरों ने भय की वजह से अपनी दुकानें भी बंद कर दी। वहीं चौकी प्रभारी राजेंद्र अवासिया ने बताया कि ऊपर से निर्देश मिल रहे थे कि मेडिकल स्टोरों की जांच करें कि वहां रेगुलर स्प्रिट तो नहीं बेचा जा रहा है, लेकिन मेडिकल पर जांच के दौरान स्प्रिट नहीं पाया गया। वहीं यह भी बताया गया कि किसी दुकान द्वारा स्प्रिट इत्यादि बेचते पाया जाता है तो हमारे द्वारा शासन के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाएगी। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। राज्य किस प्रकार की चेकिंग की? वरिष्ठ कार्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिले हैं कि रेगुलर स्प्रिट नाम के ड्रग की जो मेडिकल स्टोर्स पर बिक्री होती है, जाके चेकिंग किया जाए। तो इस संबंध में कस्बा सेगांव के मेडिकल स्टोर पर जाकर जांच की गई। कोई किसी प्रकार की स्प्रिट जो जांच हेतु बताई गई थी नहीं मिली है। क्या नाम लिखता? राजेंद्र आवासिया, सब इंस्पेक्टर, चौकी प्रभारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।